बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर खालदा एंड वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न क्लास। ओके एंड ओपन योर बुक एंड टुडे वी विल डू लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, मदर टू सन वी हैव ऑलरेडी रीड एंड सम क्वेश्चंस वी हैव डन, नाउ रिमेनिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एफ, बिकॉज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर ए टू ई। ओके, इन लेक्चर नंबर 2 यू कैन सी एंड आपको इसका जो है वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा से भी बता देती हूँ कि विच थ्री पीसेस ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव द बॉय, कि वो कौन सी तीन एडवाइस थी, नसीहतें थी जो कि स्पीकर जो है वो, यानी जो मदर है वो अपने बेटे को देती है। उसमें था डोंट सिट डाउन, डोंट टर्न बैक, डोंट फॉल। दीज आर पीसेस, थ्री पीसेस ऑफ एडवाइस दैट द स्पीकर गिव द बॉय। ओके, विच सेंटेंसेज आर रिपीटेड इन द पोएम, कि कौन से सेंटेंसेज हैं जो कि पोएम में जो है वो बार बार जो है ना वो दोहराए गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने उन क्वेश्चंस को भी लिखना है और जो बाकी आज जो मैं आपको करवा रही हूँ वो भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, विच सेंटेंसेज आर रिपीटेड इन द पोएम, द लाइन लाइफ फॉर मी हैवंट बीन नो क्रिस्टल स्टे और इज रिपीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट, कैसे कौन सी लाइन जो है वो बहुत शॉर्टेस्ट है। व्हाई डू यू थिंक द पोएट मेड दिस लाइन सो शॉर्ट, द वर्ड लाइन, द वन वर्ड लाइन बेयर जो है इज़ शॉर्टेस्ट। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमें जो बेयर है, यहाँ देखें ये जो है ना ये सबसे जो है वो शॉर्टेस्ट है। और आपने क्या करना है कि इनमें जितने भी आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं आपने इनको देखना है और आपने इनको राइट भी करना है। ठीक है, और साथ में क्या है कि दूसरा जो हमारा इसी बेयर में ही हमें उसकी जो है वो सारा कुछ ये क्लियर हमें बता रहा है कि उसकी किस तरह से जो नेचुरल वे था, जो कुदरती जो उसका वो रास्ता था, यानी जो बनाया हुआ था, जहाँ कोई वो नहीं था, कोई कारपेट वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये उसकी सारी फैक्ट को बताता है कि किस तरह से उसने मुश्किल से जो है ना अपने सफ़र को जारी रखा। वट इज़ द मदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि आपने फिर इसके मदर के एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ये सारा कुछ आप लोगों ने करने हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और साथ में आपने उनको राइट डाउन भी करना है। नेक्स्ट मैं आती हूँ पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे है वर्किंग विद वर्ड्स, इसमें क्या करना है, राइट दिस सेंटेंसेज यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, कि आपने इसमें क्या करना है, इसमें जो हमारी ग्रामेटिकली जो इंग्लिश है आपने इसको राइट डाउन करना है कि हाँ जी पेंसिल से, विद लेड पेंसिल। ओके, यहाँ पर है इसको किस तरह से हम करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग आवर फ्रेंड फॉर डिनर। ओके, तो हमने इसको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। और जो दूसरा हमारा है, आई हैव बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 1 आवर, कि मैं जो है ना 1 घंटे से जो है वो बस स्टॉप पर जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ। थर्ड है आई एम नॉट गोइंग, तो यहाँ पर हमने किस तरह से करना है, ये देखें यहाँ पर लेड पेंसिल से, आई हैव बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 1 आवर, आई एम नॉट गोइंग टू द साइनमा टू लाइफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी, दे हैव बीन काइंड ऑफ स्लीपी टूडे, दे हैव बीन, ठीक है, यहाँ दे का दे आएगा और यहाँ पर हमारा आएगा हैव बीन, हैव जस्ट मैंने हैव लगाया है तो यहाँ पर आपने फिर खुद से यहाँ पर पूरा कर लेना है, दे हैव बीन काइंड ऑफ स्लीपी टूडे। यहाँ पर है ई, शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वॉज इल, तो ये किस चीज़ की हमारी निशानी दे रहे हैं, ये बिकॉज, तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज हम लिख लेते हैं, बिकॉज शी वॉज इल। ओके, नेक्स्ट हमारा है एफ, यू आर नॉट डूइंग दिस, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से करना है, यू के नीचे यू ही आ जाएगा और जो हमारी ग्रामेटिक है वो आर नॉट डूइंग, ये हमारा ये आ गया, आर नॉट डूइंग दिस एट ऑल इफ़ यू फाइंड इट इज़, यहाँ पर है हमारा इट इज़ टू डिफिकल्ट टू डू नाउ। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग, ओके, आई हैव बीन वेटिंग, आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि यहाँ देखें ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम इसके साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग, दे हैव बीन, शी स्टेड एट होम बिकॉज, यहाँ बी ई लगाना है तो बिकॉज बन जाएगा, यू आर नॉट डूइंग, ओके, इट्स इट इज़। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज सी है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है, ये सेंटेंस के बारे में है,
अ सेंटेंस इज़ अ कम्प्लीट थाट पुट इन टू वर्ड्स, के एक सेंटेंस जो होता है, एक हमारा जुमला होता है वो एक कम्प्लीट थाट होता है, यानी उसमें हमारी पूरी जो है वो बामानी एक जुमला होता है जिसको हम वर्ड्स में, लफ्ज़ों में वो बयान करते हैं, ठीक है। और सेंटेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं, द सेंटेंसेस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, दे दीज फॉर्म्स आर, तो जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं और ये वो फॉर्म्स हैं। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन, यानी हम अपने जो भी कोई बात करते हैं तो उसको हम चार तरीक़ों से बयान करते हैं। सबसे पहले तो है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की ये डेफिनेशन है कि वो क्या होता है, टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो यूज़ अ स्टेटमेंट, कि जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम स्टेटमेंट कहते हैं। इफ़ चिल्ड्रन वर्क हार्ड, ये उसके एग्जाम्पल है, अगर बच्चे मेहनत करते हैं दे विल ग्रो इन टू ब्राइट अडल्ट, तो वो क्या होता है, वो एक अच्छे तरीके से जो है ना वो ब्राइट अडल्ट में जो है वो परवान चढ़ते हैं, ठीक है। अगर वो बच्चे मेहनत करते हैं तो जाहिर बात है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जो है ना वो ग्रो करते हैं। टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग वो यूज़ अ क्वेश्चन, और जो हमारा जो कुछ हम किसी चीज़ के बारे में कुछ फाइंड आउट करते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं, हैव यू फेड द एनिमल, क्या तुमने जो है वो एनिमल्स को खिला चुके हो। और टू टेल समवन टू डू समथिंग आर नॉट टू डू इट यूज़ वो यूज़ कमांड, ओके, कि अगर हम किसी को कुछ कहते हैं कि अगर आपने ये करना है, ये नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम मत ज़ाया करो, तो यानी हम उसको एक कमांड दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुमने इस किस कौन से लहजे में वो करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, कि तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और उसमें हमने क्या करना है, कमांड में भी हमने आखिर में जो है ना फुल स्टॉप लगाना है। फिर हमारा जो लास्ट है, शो एक्साइटमेंट, टू शो एक्साइटमेंट वो यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, जब हम किसी रोज़ को या किसी भी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमारे जो एक्साइटमेंट होती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम उसके लिए किस तरह से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। अब यहाँ उन्होंने हमें एक्सरसाइज दी हुई, पिक आउट द स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन, द बोर्ड्स आर टॉर्न अप, अब ये हमारा क्या है, ये हमारी जो है वो कमांड है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट में जो आ रहा है, सॉरी, पिक आउट द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जी द बोर्ड्स आर टॉर्न अप, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट है, और यहाँ पर देखें हमारा स्टेटमेंट के बाद जो है हमारा क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, और जो बी क्वेश्चन में आ रहा है, डिड यू हियर व्हाट आई सेड, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, तो लास्ट वाले को देख लिया करें, ये देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो जब हम किसी से भी कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो हम उसको एक क्वेश्चन की जो है वो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो डिड यू हेयर व्हाट आई सेड, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, ठीक है, तो वो उसको कह रहे इसको महफूज तरीके से रखो ट्रंक में, ठीक है, ये हमारा आ गया कमांड में, कि उसको जो है वो कमांड दी जा रही है, उसको एक जिस तरह हुक्म दिया जा रहा है, कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, कि उसको बताया जा रहा है कि तुमने जो है वो इसको सेफली रखना है। दोबारा से सुन लें, द बोर्ड्स आर टॉर्न अप, ये हमारा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट जब हम कोई भी किसी चीज़ की जो है ना वो स्टेटमेंट देते हैं तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। दूसरा हमारा है, डिड यू हेयर व्हाट आई सेड, ये हमारा क्वेश्चन के बारे में है, वो क्वेश्चन पूछ रहे क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, तो यहाँ लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन है, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं ये क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पर जो सी है, कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, इसको सेफली महफूज तरीके से जो है वो ट्रंक में रख दो, ये जो है ना वो कमांड है, वो उसको हुक्म दे रहा है कि तुम रखो, तो यहाँ पर हमारा जो है फुल स्टॉप आ रहा है। नेक्स्ट पेज है फाइव में देखें, डी हाउ फ्रेश इट इज़, अब यहाँ देखें हमारा ये किस चीज़ का निशान है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान, तो ये हमारा क्या आ गया, ये एक्सक्लेमेशन हो गया, ठीक है। इट विल चेंज कलर इन टू आवर्स, इट विल चेंज कलर इन टू आवर्स, तो ये हमारा क्या कह रहा है कि ये जो है वो 2 घंटों में कलर जो है वो चेंज कर देगा, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा सी में चला जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये एस स्टेटमेंट में जाएगा हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट में जा रहा है। थ्रो इट अवे, इसको फेंक दो, तो थ्रो इट अवे जो है ये हमारा एक कमांड की उसमें जा रहा है, हुक्म जैसे दे रहा हो, तो इसमें हमारा क्या होगा कि ये हमारा कमांड में आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, आई बर्न्ड इट यस्टरडे, तो ये भी हमारा यहाँ देखिए पोस्ट ऑफ भी आया हुआ है, आई बर्न्ड इट यस्टरडे, के मैंने इसे जो है वो कल जो है वो जलाया था, तो ये जो है वो एक बात बता रहा है जो है कि हमारे किस में आ रहा है, हमारा स्टेटमेंट में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हैव यू बर्न्ड इट येट, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क भी आया हुआ है, तो हम ये भी निशानी देख सकते हैं, और साथ में ये देखें हैव यू बर्न्ड इट येट, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं, और लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि हमारा जो डी है हाउ फ्रेश इट इज़, ये जो देखें ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है,
तो यहाँ आपने लेड पेंसिल के साथ लास्ट में एक्सक्लेमेशन का जस्ट एक्स ही लगा दें तो पता चल जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क है। इट विल चेंज कलर इन टू आर्ट्स, ये हमारा जो है ना स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के लास्ट में हमारा जो है ना वो फुल स्टॉप आते हैं, ये उसको बता रहे हैं कि 2 घंटे में ये जो है वो कलर चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। थ्रो इट अवे, इसको फेंक दें, ये हमारा कमांड में आ रहा है। आई वांट इट यस्टरडे, ये हमारा स्टेटमेंट में आता है। हैव यू वांट इट येट, क्या तुमने इसे जला दिया, तो ये भी हमारा क्वेश्चन में आ रहा है। और लास्ट में भी देखिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं मेक क्वेश्चन फ्रॉम सेंटेंसेस बिलो, कि आपने इसके नीचे जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं। एक एग्जांपल दी हुई है, आई विल टेल यू, क्वेश्चन है, विल आई टेल यू। उन्होंने क्या किया, विल को निकाल दिया बाहर। जब हम विल को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से है डिड इट हैड, सॉरी ए डिड इट हैड टैक्स इन इट, इट हैड टैक्स इन इट। उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसका जो है वो क्या बनाना है, क्वेश्चन इस तरह से बनाना है, डिड इट हैव टैक्स इन इट। तो ये भी आप यहाँ पर बुक के ऊपर ही आप राइट ऑन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड हमारा है वर्ड देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, तो हमने इसका क्या करना है, हमें इसका वर्ड जो है वो हम पहले निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ स्पेस की वजह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ड देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। थ्री सी है हमारा, ही सैट डाउन ऑन द ग्रास, ही सैट डाउन ऑन द ग्रास, डिड ही सेट डाउन ऑन द ग्रास, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया कि हमने यहाँ पर ही कर लेने हैं सारे क्वेश्चन। डी है शी फाइंड्स इट हार्ड, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डज शी फाइंड इट हार्ड, डज इट, ये देखिए आपको नज़र आ जाए। लास्ट है हमारा आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर यू स्टिल वर्किंग हार्ड, आर यू स्टिल वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट हो गई है। इसकी आप लोगों ने क्या करना है, इसका पेज नंबर 4, ठीक है, ये पेज नंबर 4 आपने सारी एक्सरसाइज जो है विद लेड पेंसिल आपने इसको याद लिखना है, ठीक है। और ये हो गया पेज नंबर 5, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। और आपने यहाँ पर जो है ना, जिस वक्त आप कर लें तो आपने यहाँ पर जो भी आपकी डेट होगी तो वो आपने यहाँ पर राइट करनी है। आपकी जो भी यहाँ पर डेट है तो आपने जहाँ तक कर लिया है तो उसके बाद आपने डेट राइट कर लेनी है और क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक पर करने हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।